हेलो दोस्तों, मैं आस नारायण यादव आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार करते हैं और स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं फेरी वाले लाइफ में, फेरी वाले काम में क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लगातार देखिए तो समझ में आएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, बात ऐसा है ना कि जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये ज़्यादा करके नए लोगों के साथ परेशानी ज़्यादा आता है, पुराने लोगों के साथ भी आता है दोस्तों, लेकिन वो लोग जो है ना काम करते 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 उसको पूरा ट्रेनिंग हो गया रहता है, पूरा एक्सपीरियंस हो गया रहता है, तो उसको उतना नहीं बुझाता है, लेकिन नए लोगों के साथ नए लोगों को ज़्यादा बुझाता है। तो कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है? दोस्तों, बात ऐसा है कि हम लोग फेरी करने निकलते हैं तो दो चार कस्टमर, दस कस्टमर अगर आप जो सामान बेच रहे हैं उनसे पूछे ले लीजिए ये सामान है इतने का है, तो वो ना कह देता है तो हम लोग जो है ना डीमोटिवेट होकर हार मान करके बैठ जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये सामान बिकेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आज नहीं तो कल बिकता ही है। और जो चार दस कस्टमर अगर ना बोल दिया तो क्या होगा, आगे फेरी करते रहिए, किसी न किसी को तो ज़रूरत होगा, वो लेगा ही। इसलिए बिना हार माने लगातार फेरी करते रहिए, और एक गाँव नहीं होगा, दो गाँव नहीं होगा, तीसरा गाँव तो होगा, चौथा गाँव तो होगा, इसलिए इस उम्मीद के साथ फेरी करते रहिए। और इसको और अच्छे तरीके से मैं बताऊं तो दोस्तों, आप घर से निकलने से पहले जो है ना एक लक्ष्य बना सकते हैं कि हमको कितना समय जो है ना काम करना है, कितना घंटा काम करना है, कितना घंटा काम करके और कितना इनकम प्राप्त करना है। ये लक्ष्य जो है ना पहले घर से निकलने से पहले ही आपको क्लियर कर लेना है, ताकि क्लियर कर लेना है उसके बाद में लिख भी लेना है कॉपी पर, और क्यों फ्री कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं, लिख करके एक डायरी के जैसे आप पॉकेट में रख सकते हैं, ताकि आप फेरी करने निकले हुए हैं तो दो चार गांव, दस गांव, दो चार कस्टमर, दस कस्टमर अगर ना भी बोला तो डीमोटिवेट जब हो तो वो डायरी देख ले कि आपने क्या लक्ष्य बना करके घर से निकला है। तो जब डायरी देख लेंगे तो फिर आप मोटिवेट हो जाएंगे काम करने के लिए, तो आप हार नहीं मानेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। तो एक लक्ष्य बना लीजिए कि हमको कितना घंटा काम करना है, कितना रुपया कमाना है, उसके हिसाब से आप फेरी कीजिए। तो दो चार दस कस्टमर अगर ना भी कहेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जो सामान आप बेच रहे हैं, आप फेरी कर रहे हैं, आठ दस कस्टमर अगर ना कह दिया तो हार ना मानकर आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि किस तरह का, जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा कपड़ा चाहिए था, क्या चाहिए था बताइए, ताकि मैं लाकर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि ग्राहक कौन सा कपड़ा, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सामान ज़्यादा चाह रहा है। तो आपको चाहने से कुछ नहीं होगा, जैसे कि चारा को ही दोस्तों देख लीजिए, चारा को कितना भी कुछ खिलाइएगा, मिठाई खिलाइएगा और नहीं खाएगा, एक चमड़ा जो कीड़ा होता है वही खाता है। इसी प्रकार दोस्तों धंधा में भी है, धंधा में भी आपको चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहेंगे कि हाँ, सोचेंगे कि यह सामान बिकेगा, यह सामान बिकेगा, तो ऐसा नहीं है। ग्राहक कौन चीज़ खोज रहा है, ग्राहक के मांग को ध्यान दीजिए कि वो कौन सा चीज़ ज़्यादा पसंद कर रहा है, कौन चीज़ खरीदना चाह रहा है, कौन सा कपड़ा खरीदना चाह रहा है। आप मार्केट में एक बार ध्यान भी फैला करके देख सकते हैं कि किस तरह का कपड़ा खरीद रहा है सब, चाहे जो भी आइटम आप बेच रहे हैं बाजार में, देख सकते हैं कि कौन सा सामान ज़्यादा बिक रहा है, उस हिसाब से आप वही आइटम ला करके जब सेल कीजिएगा तो सेल अच्छा होगा कोई भी सामान का, और अच्छा इनकम भी होगा। और रहा बात हार मानकर बैठने की, तो हार मानकर दोस्तों नहीं बैठना है, लगातार काम करते रहना है। और दोस्तों एक और बात, आप सुबह से चलते हैं तब और रात को जब फेरी से घर पर जाते हैं तब एक बार मेडिटेशन जरूर करें, ध्यान जरूर करें कि हमने बीच में फेरी किया हूं तो क्या गलती किया हूं, ताकि अगले दिन उसको सुधार सके। और साथ ही साथ जब सुबह जब चलते हैं तो लक्ष्य बना के चलते हैं, तो शाम को जब आए तो ध्यान लगाए कि जो हमने सुबह लक्ष्य बना के चला था उस लक्ष्य पे काम किया है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हुआ है तो आप अगले दिन सुधार कर सकते हैं। आप सुबह सुबह जब मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो आप खुद से ईमानदारी से काम करने के लिए शपथ लेकर के घर से निकल सकते हैं। ये सोचकर ही निकल सकते हैं कि मैं पूरी ईमानदारी से, खुद की ईमानदारी से मैं काम करूंगा, दिल से काम करूंगा, 100% काम करूंगा, जो भी काम कर रहा हूं उसी हिसाब से घर से लक्ष्य बना करके चलना है। और शाम के आते समय भी
फिर सुबह को जो आपने शपथ लिया था कि हाँ हमने ये बोला था, ये बोला था कि हम ये करेंगे, तो वो किए हैं कि नहीं, अपने जैसे कि अपने दिल से काम किया है कि नहीं, खुद की ईमानदारी से काम किया कि नहीं, क्योंकि हम या आप या आपके घर वाले या कोई भी आदमी आपको देखने नहीं जाएगा कि आप कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद से ईमानदार है तो आपका भीतर का जो आत्मा है वो तो आपको सही बताएगा ना कि हाँ कि हमने सही से काम किया कि नहीं, पूरी तरह फोकस के साथ किया काम किया है कि नहीं, या कस्टमर से जो सामान बेच रहे हैं बेचने के लिए पूरी कोशिश किया है कि नहीं। तो आप खुद की ईमानदारी के साथ काम कीजिए, और दूसरी बात है कि आप किसी पर निर्भर न मत रहिए, खुद आत्मनिर्भर के साथ काम कीजिए, खुद पर विश्वास करके काम कीजिए, खुद ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो आपके जो है ना काम में भी फर्क आने लगता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरे को जो करना है वो दूसरे कोई आकर के कर देगा, तो ऐसा नहीं है, आपको खुद आत्मनिर्भर रहना है, खुद पर विश्वास रखना है, और ये आपको सोचना है कि जो भी करना है मुझे करना है, कोई दूसरा आकर के नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों इस सारे बात को ध्यान में रखते हुए आप काम कीजिए, तो फ्री में मन भी लगेगा और सेल भी अच्छा होगा, अर्निंग भी अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है अपने हिसाब से, अपने फेरी वाला काम के एक्सपीरियंस के हिसाब से, कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं फिर से किसी और न्यू ब्लॉग्स के साथ, उनके लिए इतना ही, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।